हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इस समय स्टूडियो। मैं हूं राजेश। जैसा कि दोस्तों डाइकन ने बहुत सारे मॉडल 2022 के लाइनअप में लॉन्च किए थे, जिसमें कि 1.5 टन और 2 टन में बहुत सारे मॉडल थे और वो सभी इन्वर्टर मॉडल थे, जिसमें एक मॉडल 1.5 टन 3 स्टार का उन्होंने फिक्स्ड कंप्रेसर भी उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5 टन में जो है फिक्स्ड कंप्रेसर एसी भी बहुत काम के होते हैं, और जहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगता वहाँ पे लोग फिक्स्ड कंप्रेसर के जो है नॉर्मल एसी, जिसको कह सकते हैं, वो लगवाना पसंद करते हैं और काफ़ी डिमांड भी होती है इनकी। अभी भी इनकी डिमांड है, हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत कम अवेलेबल हो, लेकिन कुछ कंपनियाँ एक एक दो दो मॉडल ये रख रही हैं फिक्स्ड कंप्रेसर के भी। तो आइए जो है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 1.5 टन 3 स्टार में जो डाइकन ने मॉडल लॉन्च किया है, उसका मॉडल नंबर है FTL50U। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों डाइकन का 1.5 टन 3 स्टार का ये AC FTL50U हाई एम्बियंट पे 50 डिग्री तक के टेम्परेचर पर काम करता है, और इसमें जो फिल्टर की बात करें तो PM2.5 फिल्टर दिया हुआ है, डस्ट फिल्टर दिया हुआ है, सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम इसमें दिया हुआ है, एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर दिया हुआ है, डी ह्यूमिडिफायर दिया हुआ है और फास्ट कूलिंग इसमें दी हुई है। दोस्तों इसकी SEER रेटिंग जो है 3.95 है, और ये कलर इसका वाइट है। प्रोडक्ट का डायमेंशन आपको बता देता हूँ, 88.5 सेंटीमीटर इंटू 22.9 सेंटीमीटर इंटू 29.8 सेंटीमीटर का है ये, और इंडोर और आउटडोर दोनों की वेट की बात करें तो 51.5 केजी इन दोनों का वेट मिला के है। और दोस्तों उसको एक बहुत ही खूबसूरत रिमोट से, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में, इससे ये ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों पावर चिल में ये 20% ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में कूलिंग करता है, यानी कि 20% ये तेज ठंडा करता है। अगर आप बाहर से कमरे में अगर आते हैं और आपको लगता है कि जल्दी से कमरा ठंडा हो जाए, तो ये 20% तेज़ी से इसको आप ठंडा कर सकते हैं। इसमें इकोनो मोड दिया हुआ है, इकोनो मोड पर जब आप इसको चलाएंगे तो ये जितना मिनिमम बिजली ले सकता है, जितनी कंजम्पशन पावर कम लेगा उतनी ये कोशिश करता है, और उसमें पूरी एफिशिएंसी के साथ में ये कूलिंग करता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि डाइकन हमेशा 100% कॉपर पाइप का इस्तेमाल करता है और बहुत हैवी पाइप का इस्तेमाल करता है। इस एसी में भी उसने जो है 100% कॉपर का इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी लाइफ जो है एसी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, पाइप जल्दी गलते नहीं हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लीकेज की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आपको नहीं होती है। दोस्तों डाइकन के और भी एसीयों की तरह इसमें भी आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना स्टेबलाइज़र के पावर फ्लक्चुएशन अगर आपके एरिया में अप और डाउन ज़्यादा हो रहा है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अलग से 4-5 हज़ार रुपये का स्टेबलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 130 वोल्ट से लेकर 270-280 वोल्ट तक ये उसको कंट्रोल कर लेता है और आपको एसी को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों डाइकन के इस एसी में रेफ्रिजरेंट के लिए R32 गैस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इको फ्रेंडली होती है और ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाती है और हार्मफुल भी नहीं होती है ये, इससे कूलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम इसमें दिया हुआ है, एसी के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ब्लोवर से संबंधित या आउटडोर से संबंधित कुछ, अगर पावर सप्लाई से संबंधित, पीसीबी से संबंधित, या गैस लीकेज हो जाए या कहीं पर कुछ भी अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उससे ये एक कोड जनरेट कर देता है और आपको इसके स्क्रीन में एक कोड नज़र आ जाता है। उस कोड से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, और जो सर्विस इंजीनियर होता है वो उसी पार्ट को जो है रिपेयर करता है या बदल देता है, जिससे इसका मेंटेनेंस बहुत इजी और फटाफट हो जाता है। दोस्तों बरसात में और जब मॉइस्चर ज़्यादा आने लगता है और पानी आपको अंदर गिरने की समस्या आ जाती है, ज़्यादा मॉइस्चर से जो है हवा के साथ छींटे आते हैं पानी के, उससे बचने के लिए इसमें ड्राई मोड दिया हुआ है। ड्राई मोड ऑप्शन पर आप चला देंगे तो जो है वो उस पानी को कम कर देता है और आप एक अच्छी हवा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों कमरे में चारों तरफ अच्छी हवा लेने के लिए इसमें जो है एयर फ्लो के लिए डुअल फ्लैप दिए हुए हैं, दो फ्लैप दिए हुए हैं, जिससे हवा जो है बहुत अच्छे से आती है और वो हवा जो है ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करती है। दोस्तों डाइकन का ये 1.5 टन 3 स्टार का नॉन इन्वर्टर एसी, फिक्स्ड स्पीड एसी भी इसको कहा जाता है, ये बहुत ही बढ़िया एसी है और इसकी जो स्टार रेटिंग है वो 3 स्टार रेटिंग है।
दोस्तों 111 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये जो है बहुत ही पर्याप्त एसी होता है। दोस्तों नॉइज़ की बात करें तो इसमें नॉइज़ बहुत ही कम है, 38 डेसिबल का इसमें साउंड आपको सुनाई देगा, यानी कि आप उसको आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी नॉइज़ आ रही है या एसी चल रहा है। बहुत ही साइलेंटली ये एसी चलता है, आपको बिल्कुल कम्फर्ट रहता है। दोस्तों इसको पावर सप्लाई चलाने के लिए 230 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये 1278 वाट लेता है। दोस्तों इसका इंडोर यूनिट बहुत ही हाई ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है, आउटडोर जो है बहुत ही अच्छे स्टील से बनाया गया है। दोस्तों इनके बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है ये बता देता हूँ। एक इंडोर यूनिट मिल जाती है, एक आउटडोर यूनिट मिल जाती है, इंटरकनेक्टिंग दो पाइप मिल जाते हैं, रिमोट मिल जाता है और मैनुअल्स बुक मिल जाती हैं और वारंटी कार्ड दोस्तों इसके साथ में मिल जाता है। रिमोट की बैटरी भी साथ में आती है। दोस्तों इसका जो मैन्युफैक्चरर है डायकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है और ये भारत में बना हुआ प्रोडक्ट है। दोस्तों इसमें रोटरी कंप्रेसर की जो वारंटी है वो 5 ईयर है और ओवरऑल वारंटी आपको 1 ईयर मिलती है। इन्वर्टर एसी में आपने देखा होगा कि 10 ईयर की वारंटी आपको मिलती थी, लेकिन चूँकि ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है तो इसमें आपको वारंटी जो है 5 ईयर की मिलती है। दोस्तों डाइकिन के इस एसी की इंडोर यूनिट पे ग्रे कलर की पट्टी बेहद ही खूबसूरत लगती है और ये बहुत ही सिलिकली बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों डाइकिन के डेटन 3 स्टार के 2022 के इस मॉडल FTL50U का जो प्राइस है वो MRP है 55,600 रुपये और ये 38,990 रुपये में अवेलेबल है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप इसको जा करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एसी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये एसी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।